हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। अभी है शाम का समय और टाइम हो गया है 7:15। तो हम लोग आए हैं छत पे थोड़ा घूमने के लिए। और ये देखिए, यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है देहरादून में। बच्चे भी छत पे आ रखे हैं और सभी लोग हम लोग छत पे घूम रहे हैं। ये देखिए, चंद्रमा आ चुके हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, जो कि हस्बैंड ने कर दी है। उनका मन था कि आज ब्लॉग की शुरुआत मैं करूं, तो मैंने उनसे कहा बिल्कुल करिए, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि आप ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हस्बैंड का ब्लॉग बनाने का स्टाइल कैसा लगा। और ब्लॉग स्टार्ट करा, वो चले गए हैं नीचे किसी काम से। नीचे बेसमेंट की सफाई करवानी है, क्योंकि वहाँ पर ना बारिश की वजह से पानी वानी चला जाता है। तो वैसे भी आजकल रेनी सीजन में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो पूरे फ्लोर में आएंगे तो उससे मच्छर होंगे तो और बीमारी बढ़ेंगी। तो इसलिए वहाँ क्या सफाई करवानी है। तो सफाई वाले भैया लोग आ रखे हैं सफाई करने के लिए, तो सफाई कराने चले गए हैं नीचे। और मैं आ गई हूँ छत पे, तो थोड़ा देर छत पे टहलते हैं शाम को। ये तो डेली का ही होता है मेरा इवनिंग में रूटीन। तो आपने बहुत सारे ब्लॉग्स में मेरा देखा होगा कि छत से ही शाम का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है। तो चलिए, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है अभी तो। देहरादून के मौसम की जितनी तारीफ़ करो उतनी कम होगी। आप भी सोचते होंगे हर ब्लॉग में ये मौसम की बात करती हैं, तो क्या करूँ, यहाँ का मौसम ही इतना अच्छा है ना, बिना बताए हुए रहा ही नहीं जाता। और आपके साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? आपकी आवाज़ वापस आ रही होगी ना, इसलिए बोल रहे हो ना आप। बोलो, पहले जब हम छोटे थे ना, हम भी गांव में ऐसे ही करते थे, जोर से बोलते थे तो हमारी आवाज़ वापस आती थी, है ना, अच्छा लगता है ऐसे। और अक्रिस के हाथ देखो, अक्रिस अपने हैंड दिखाओ। वाओ, कितने सुंदर हाथ हो गए आपके, जम्स हो गए, कितने जम्स लग गए होंगे आपके हाथों में। छी छी। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको अपने लिए छोटा सा पार्क बना रखा है। अरे वाह, बहुत सुंदर। छत में आके यही खुरापाती काम करते रहते हो आप। हाथ दिखाओ अपने आप भी। हाँ, बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जी, हम आ गए हैं सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, मतलब कि मंडे की मॉर्निंग है। और यहाँ पे घर के काम सारे निपट चुके हैं, फिर बारी आती है दिया बाती करने की। तो आजकल ना घर की सफाई करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि चींटियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं आजकल अंदर, बड़ी बड़ी सी। बारिश की वजह से मच्छर, चींटियाँ वगैरह बहुत चीज़ें आ जाती हैं घर में, तो अच्छे से सफाई का ध्यान देना होता है। और जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ तो और ज़्यादा होता है। तो चलिए, यहाँ पर जल्दी से पूजा कर लेती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये नेक्स्ट डे है और अभी सारे काम निपट चुके हैं मेरे, मतलब आज दिन मंडे है और सब लोग जा चुके हैं अपने अपने कामों पे, बच्चे भी, बच्चों के पापा भी, और मेरे भी घर के काम सारे निपट चुके हैं। और दिया बाती कर लिया है, जो कि मैंने आपको दिखाया था अभी। और अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। आज मैंने मॉर्निंग में पूड़ी बनाई थी बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, और आलू की सब्जी सूखी वाली। और संडे की रात को मैं और हस्बैंड गए थे मार्केट, क्योंकि थोड़ा बहुत घर का सामान लाना था। तो हम घर का सामान लेके आए थे, तो वो सामान ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि रात में हम लेट गए और आते हुए भी लेट हो गया। और घर पर आके फिर डिनर का भी देखना होता है ना, तो मैंने सामान पर उस टाइम कुछ भी नहीं करा, हाथ भी नहीं लगाया। तो अभी मॉर्निंग में सारे काम निपटाने के बाद यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, और जो जो सामान मुझे कंटेनर में फिल करना है उनको मैं कंटेनर में फिल कर दूंगी। बाकी जो भी महीने भर में लगता है उसको मैं नीचे रख देती हूँ किसी कंटेनर में। और बच्चों के टिफिन के लिए रोटियों के अलावा और भी चीज़ें देनी होती हैं, जैसे कुछ स्वीट्स वगैरह में दे दो। तो मैं यहाँ पे चुलाए के लड्डू लाई थी उनके लिए, तो इन चीज़ों को रख देती हूँ संभाल के। तो अब एक बहुत ज़रूरी काम मुझे करना है। ये देखिए, यहाँ पे कपड़ों की सेल लगी हुई है, इतने सारे कपड़े हैं यहाँ। दो तीन दिन से मौसम की वजह से ना कपड़े में, मतलब सूख ही नहीं रहे हैं ढंग से कपड़े, तो मैं अंदर फैला फैला के बड़े मुश्किल से कपड़े सुखा रही हूँ। और कल तो मैंने इतने ज़्यादा कपड़े वॉश करे, सोफ़ा के कवर वगैरह सब मैंने वॉश करे थे कल। और ये देखें, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, तो इनकी तय लगाना है, जिनको लगाने में मुझे पूरा आधा घंटे का टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं ना। तो चलिए, फिलहाल आज के ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।